कि रातवाद इन पांच कारणों से नीतीश से दूर हुई सीएम की कुर्सी। जिस तरह से जतिन ललित मतलब चांद चकोर फहरिस्त बहुत लंबी है दिन रात इन चीजों को अगर राधा कृष्ण अगर इन सब चीजों को आप समझ रहे हैं कि मैं किस परिप्रेक्ष्य में चीजें कह रहा हूं, अगर एक दूसरे के पूरक है, नीतीश कुमार के बिना कुर्सी का कोई औचित्य नहीं है, हम नीतीश कुमार ऐसा मानते हैं, और कुर्सी के बिना नीतीश कुमार कैसे, हमको लगता है नीतीश कुमार को बिना कुर्सी के हमने कभी देखा ही नहीं। हालांकि 15 साल से पहले नीतीश कुमार के पास कुर्सी नहीं थी, मगर आज जिस परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार को जिस प्रचंड घमंड में हम देखते हैं, ये हमारा शब्द नहीं है, ये शब्द उनके विरोधियों का और कुछ सहयोगियों का भी है, कि तो बहुत घमंडी हो गए हैं, 15 साल से शासन में हैं और इसकी वजह से वो अब किसी के सुन ही नहीं रहे, अपने पार्टी के लोगों के भी नहीं सुन रहे हैं, और इसी वजह से नीतीश कुमार से कुछ गलतियां हो जा रही हैं, मगर नीतीश कुमार गलती नहीं कर सकते हैं ऐसा वो खुद मानते हैं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019 शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। नमस्कार, भारत लाइव की इस विशेष पेशकश रातों रात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि रातों रात जब शुरू होता है तो पहला शब्द मैं यही कहता हूँ कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज मुझे बोलना नहीं पड़ेगा, मुझे पता है आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि रातों रात की जो श्रृंखला है जिसमें बाबा और मैं साथ में बैठ रहे हैं, और जब से बाबा ने भोजपुरी को लिमिट करके एक पैकेज डेली कर दिया है, तब से आप लोगों का थोड़ा सा रुझान और बढ़ गया है। रातों रात में आप लोग बहुत शेयर कर रहे हैं रातों रात के हमारे खबरों को, तो बहुत तेज़ी से आते हैं, जल्दी से आपका समय बहुत कम लेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि तेज़ी से जितना हो सके इस रातों रात की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाएं। आपने हेडलाइन देख लिया है, आपने देख लिया है कि हम साफ तौर पे कह रहे हैं कि रातों रात इन पांच कारणों से नीतीश से दूर हुई सीएम की कुर्सी। अब भैया नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी दूर कैसे हो सकती है, अगर थोड़ा अगर हम इसे साहित्यिक तौर पे समझाने का प्रयास करें तो नीतीश कुमार और कुर्सी उस तरह से ही आने वाले दशकों में याद किया जाएगा जिस तरह से जतिन ललित मतलब चांद चकोर फहरिस्त बहुत लंबी है दिन रात इन चीजों को अगर राधा कृष्ण अगर इन सब चीजों को आप समझ रहे हैं कि मैं किस परिप्रेक्ष्य में चीजें कह रहा हूं, अगर एक दूसरे के पूरक है, नीतीश कुमार के बिना कुर्सी का कोई औचित्य नहीं है बिहार में, हम नीतीश कुमार ऐसा मानते हैं, और कुर्सी के बिना नीतीश कुमार कैसे, हमको लगता है नीतीश कुमार को बिना कुर्सी के हमने कभी देखा ही नहीं है। हालांकि 15 साल से पहले नीतीश कुमार के पास कुर्सी नहीं थी, मगर आज जिस परिप्रेक्ष्य में नीतीश कुमार को जिस प्रचंड घमंड में हम देखते हैं, ये हमारा शब्द नहीं है, ये शब्द उनके विरोधियों का और कुछ सहयोगियों का भी है, कि तो बहुत घमंडी हो गए हैं, 15 साल से शासन में हैं, और इसकी वजह से वो अब किसी के सुन ही नहीं रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों के भी नहीं सुन रहे हैं, और इसी वजह से नीतीश कुमार से कुछ गलतियां हो जा रही हैं, मगर नीतीश कुमार गलती नहीं कर सकते हैं ऐसा वो खुद मानते हैं। तो भैया शुरू करते हैं ये अजब बिहार की गजब कहानी, और इस कहानी को बाबा से ही शुरुआत करेंगे। पांच मुद्दे हैं, इन पांच कारणों से नीतीश कुमार से सीएम की कुर्सी इस बार दूर हो रही है, ऐसा दावा हम कर रहे हैं, ऐसा दावा हमारे सूत्र कर रहे हैं, और जो हम बार बार कहते हैं कि हम कुछ ऐसे आंकड़े लेकर आते हैं जिन पैटर्न्स को देखने के बाद रियलाइज़ होता है कि वाकई ये चीज़ें अब होंगी या नहीं होंगी। क्या बोला नमन जी, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग बात करते हैं जो सामने है उसकी बात नहीं करते हैं, जो परिपेक्ष पर्दे के पीछे है जो हम उन बातों को लेकर के सामने आते हैं, और इसीलिए हम रातों रात लेकर आते हैं कि जितनी भी बातें होती हैं रात के अंधेरे में जो होती हैं वो सुबह पता चलता है, और उसके लिए भी बड़ा छानबीन करना पड़ता है, और वो छानबीन हमारे सूत्र जो हैं खास करके रातों रात लगे रहते हैं। और रात की बात अगर हुई तो कारण बता ही रहे नमन जी कि पांच कारण हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार से कुर्सी थोड़ी दूर जा रही है। चलिए शुरू करते हैं बहुत तेजी से। सबसे पहला जो हमारे हिसाब से बड़ा फैक्टर होगा 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के सामने, 2020 की बात क्यों करें, 2019 में ही कहीं ना कहीं इसमें शुरुआत हो गई थी, और नीतीश कुमार ने बड़ा प्रयास किया था साधन मुहिम ही चलना शुरू हो गया नमन जी, मुहिम जबरदस्त चल रहा है खास करके सोशल मीडिया। हाँ वो तो अब शुरू हो गया, मगर 2019 में ही नीतीश कुमार ने बहुत साधने का प्रयास किया था इस व्यक्ति को, यहाँ तक कि अपने जो मूल स्वभाव है नीतीश कुमार का उसे त्याग कर इस व्यक्ति के चुनाव प्रचार में बेगूसराय चले गए थे। आपको याद होगा गिरिराज सिंह की बात हम कर रहे हैं,
गिरिराज सिंह जो कि नवादा के सांसद थे, जिन्हें बेगूसराय शिफ्ट कर दिया गया था नीतीश कुमार, और लोजपा का अंडरस्टैंडिंग जो इंडिया में बना था उसकी वजह से, और नीतीश कुमार के कारण चले तो जरूर गए मतलब नवादा छोड़कर, मगर कहीं ना कहीं मन में टीस जरूर थी इनकी कि ये जो गठबंधन बना है नया एनडीए का, इसकी वजह से मुझे अपनी सीट गंवानी पड़ रही है और ये सही नहीं है। यहाँ तक कि कोप भवन में भी चले गए थे, और जो परिस्थितियाँ जीतने के बाद बनी और गिरिराज सिंह फिर से जिसे मुखर होकर कन्हैया को हराने के बाद सामने आए थे और पहला हमला नीतीश कुमार के ऊपर कर दिया था। नमन जी, आग का तासीर है जलाना जी, वो अपने तासीर से बदल नहीं सकता है। आप उस पर पानी भी डालिए तो पानी को भी जला देता है, छन से आवाज करता है। कभी तवा पर रख करके आप देख लीजिए, उस पर पानी डालिएगा तो आवाज छन से करेगा। दैट मींस कि वो जलाता है। पानी कितना भी बहुत ज्यादा प्रेशर हो तो बातें अलग होती हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जिनकी बात आप कर रहे हैं, जिनको कारण बता रहे हैं आप 2020 में कुर्सी से दूर करने का, उसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है नीतीश कुमार जी के सामने। आपको बता दें कि फेसबुक पर कैंपेन्स चल रहे हैं, अलग अलग ग्रुप्स चल रहे हैं, जिनका नाम है गिरिराज सिंह सीएम बिहार, गिरिराज सिंह अगला मुख्यमंत्री बिहार का। बिल्कुल, ये जो कैंपेन्स चल रहे हैं 2020 में केवल गिरिराज, यहाँ तक कि फिल्म का पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया था जिसे दिखाया जा रहा था कि अब गिरिराज का युग आएगा, गिरिराज ही बिहार को संभाल सकते हैं, और कोई संभाल नहीं सकते। योगी राज यूपी में और गिरिराज यहाँ, मोदी राज देश में और गिरिराज बिहार में जी। इस पूरा कैंपेन चला, और इस कैंपेन के साथ साथ हम सबसे पहले थोड़ा सा एक पक्ष वो देखना जरूरी होगा कि गिरिराज सिंह जब चुनाव लड़ने नहीं जा रहे थे, जब बहुत सारी बातें और जिसकी चर्चा भी आप कर रहे थे, तो नीतीश कुमार के साथ मिल करके उन्होंने ये बात तय की थी कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए गुप्त, उस समय भी हमने कहा था कि गुप्त मीटिंग के दौरान बातें यही हुई थी, उन्हें डर था कि अगर वो वहां जाएंगे तो नीतीश कुमार सपोर्ट करेंगे कि नहीं, अगर नीतीश कुमार अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हारना तो वैसे भी लग रहा था, तय था। और ये तत्कालीन तय भी लगता है कि हुआ था कि हम मंच पे जाकर के और इस हिंदुत्व के बड़े चेहरा के विरुद्ध खड़ा होंगे जिसके कभी साथी नहीं रहे नीतीश कुमार, और उसने उन्होंने अपना आइडियोलॉजी लोकसभा में चेंज किया था, और जिसको लेकर के एक बड़ा वर्ग जो है नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा है, और यही कारण है कि वो कारण पैदा हो रहे हैं गिरिराज सिंह। और ये सच यही बात है कि एक साधु पानी में बहता हुआ एक बिच्छू को देखता है और अपने स्वभाव वश वो उसे बचाने की कोशिश करता है, अपने हाथ में उठालता है, मगर वो बिच्छू भी तो अपने स्वभाव वश बाधित है ना, वो भी तो काटेगा ही नहीं साधु को। वो साधु और संत और महात्मा और डाकू देखकर नहीं काटता है, बिच्छू का स्वभाव है काटना, साधु का स्वभाव है बचाना। बार बार वो बिच्छू पानी में गिरता है, बार बार साधु उसे उठा लेता है अपने हाथ में। कई बार ऐसा होता है, जाने जाने वाले आने जाने वाले बगल के लोग देखते हैं, कहते हैं कि दोनों अपनी स्वाभाविक प्रक्रिया कर रहे हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। गिरिराज सिंह अपने स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ही नीतीश कुमार पर जीतते ही पहला हमला करते हैं। सारे विपक्ष को छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार के प्रति जो पहला हमला उन्होंने किया था, कहीं ना कहीं वही बेचैनी नीतीश कुमार की बढ़ गई थी कि भाई अगर इफ्तार पार्टियों के सिलसिले में अगर वो पहुंच जाते हैं, और गिरिराज सिंह एक ट्वीट करके कहते हैं कितनी अच्छी तस्वीरें हैं सुंदर, अगर ऐसी तस्वीरें रामनवमी के दौरान होती तो कितना अच्छा रहता। यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर नरेंद्र मोदी जी की रैली में जो नहीं आएगा वो एंटी नेशनल होगा, और कुछ कारण से वो खुद ही नहीं आ पाए, ये विडंबनाएं हैं। खैर, विडंबनाओं पर बात नहीं करेंगे। पांचवा कारण तो आपने बता दिया नमन जी, अब ये उसके बाद जो चौथा कारण है, उस कारण को कहेंगे तो हो सकता है हमारी जनता भी थोड़ा सा असहज हो। थोड़ा सा बस मुझे और बोलना है पांचवें कारण में, क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य को थोड़ा समझा दूं। जिस तरह से गिरिराज सिंह का पेज चल रहा है, जिस तरह से गिरिराज सिंह अपने कद को बढ़ा रहे, तो हर मुद्दे पर जैसे जदयू सामने खड़ी हुई थी भाजपा के, और एकमात्र चेहरा बिहार से गिरिराज सिंह थे जो कि जवाब दे रहे थे नीतीश कुमार के, हर मतलब उनके हिसाब से सीधे तौर पर जो जदयू स्टैंड बदल रही थी सदन में, वो धोखाधड़ी थी और बैक स्टेबिंग। और नमन जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल भी खड़ा किया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसा नेता पैदा नहीं किया जो नीतीश के समकक्ष खड़ा हो सके जी। और ऐसे में गिरिराज सिंह अगर खड़े होते हैं तो एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि ऐन मौके पर कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था, हमने भी चर्चाएं शुरू कर दी थी, मीडिया के सुर्खियों में चल रहा था कि एनडीए किसी भी दिन टूट सकता है, यहां तक कि दिन गिने जा रहे थे कि आज या कल या परसों, और इसी बीच कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान आया था अमित शाह का कि हमारे कप्तान बिहार में सीधे तौर पर नीतीश कुमार होंगे, और यही बात कहीं ना कहीं बुरा लग जाता है फिर से एक बार गिरिराज सिंह को। वो कोप भवन में जाते हैं मगर धार कुंडित नहीं होती है, आज भी वो एजेंडा जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अगर नीतीश कुमार को रोकने वाले लोग अगर हैं, चाहे टुन्ना पांडे जी हो, सिद्धानंद राय हो, सीपी ठाकुर जी का भी कहीं ना कहीं मुख्य समर्थन है इसको, और ये जो पूरा ग्रुप है बीजेपी का, ये कहीं ना कहीं
सुशील मोदी और नीतीश कुमार को चाहता नहीं कि वो सामने से आकर एनडीए को लीड करें, और यही कारण है कि ये अल्टरनेट विकल्प चाहते हैं कि भाजपा के लिए चुनाव लड़े और अपने दम पर अपना मुख्यमंत्री बने, ताकि नीतीश कुमार को भी 15 सालों बाद ये एहसास हो जाए कि भाजपा को उसको जो बार बार दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, ये अब संभव नहीं है। और संजय पासवान ने तो स्पष्ट तौर पर कह भी दिया था, नमन जी उन्होंने कहा था कि 15 साल हो गए, 15 साल एक बहुत बड़ा समय होता है, डेढ़ युग होता है, इसका मतलब है कि अब नीतीश कुमार जी को स्वतः अपने कुर्सी से छोड़ देना चाहिए और गिरिराज सिंह पर उनका भी फोकस बहुत टाइट है जी, क्योंकि एक बार चांस मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को बिहार में। चौथे मुद्दे पर आते हैं, चौथा मुद्दा जैसा कि बाबा ने साफ तौर पर भी कह दिया, चौथा मुद्दा कौन है बाबा? अगर वही बात मैं कह रहा था नमन जी कि चौथे मुद्दे पर अगर हम आते हैं और उस कारण को बताते हैं, हेतु को बताते हैं हम कि ये कुर्सी को दूर कर सकता है, तो शायद जनता हमारी विश्वास नहीं करे, बिहार के लोगों को भरोसा नहीं होगा, क्योंकि ये दोस्ती, मुझे विश्वास नहीं है, ये दोस्ती है और रक्षा में हत्या हमारे ही संस्कार और हमारे समाज, हमारे किताबों में लिखा है, हमारे अध्याय में लिखा है कि रक्षा में हत्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि बचाने में भी आदमी डूब जाता है। और ये हम क्यों कह रहे हैं आपको बता देते हैं, क्योंकि सुशील कुमार मोदी जब भी एनडीए की बिहार में चर्चा होती है, नीतीश कुमार की चर्चा होती है, खाली बस 2015-17 छोड़कर, तो इसमें नीतीश कुमार मतलब कुर्सी और दूसरी साइड सुशील मोदी बिल्कुल, सुशील मोदी वो हनुमान है जो संजीवनी तो लेकर नहीं आ पाए मगर पहाड़ हर बार लेकर आ जाते हैं। अब देखना यह है कि बिना संजीवनी के इस पहाड़ से नीतीश कुमार बचेंगे कि नहीं। अब ये क्यों मैं कह रहा हूं ये भी बता दूं आपको, क्योंकि जिस तरह से ट्वीट करके अमित शाह से भी पहले उन्होंने ये बात कह दी थी कि हमारे कप्तान वही नीतीश कुमार होंगे, आरएसएस को भी उन्होंने पटना में बुला लिया था मान मनोबल के लिए, और आरएसएस के खिलाफ एक गुप्त चिट्ठी बन रही थी, और उस चिट्ठी में कहीं ना कहीं जब विवाद बढ़ा और नीतीश कुमार घेराने लगे तब भी ये डिफेंड करने पहुंचे थे, और जब इन्होंने लिख दिया कि हमारे कप्तान छक्के चौके मार रहे हैं नीतीश कुमार, यही हमारे कप्तान रहेंगे, और जब इन पर प्रेशर बना भाजपा का तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया, और जब इनकी मीडिया में खबर चलने लगी तो फिर इन्होंने दोबारा फिर ट्वीट कर दिया। नमन जी को सारा दिन याद आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का झोला ढो रहे हैं जी, और उन झोला ढोने वाले लोगों को अब तक मेन स्ट्रीम में जगह नहीं मिला है, वो काफी गुस्से में है, और यही कारण है कि सुशील मोदी जो है लगातार नीतीश कुमार का पिछलग्गू बनाए हुए हैं 15 साल से, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के एक खास वर्ग जो हमने नाम पहले भी लिया इससे पहले वाले मुद्दे में, वो जो ग्रुप है वो इसलिए भी खफा रहता है क्योंकि उसे लगता है कि सुशील मोदी नीतीश कुमार के मन को बढ़ा देते हैं, उनके ईगो को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी छोटा समझ लेते हैं, और कहीं ना कहीं इसकी वजह से नीतीश कुमार भाजपा को छोटी पार्टी समझकर उसे दबाने का प्रयास करते हैं बिहार में, और यही इन्हें पसंद नहीं है। एक और ग्रुप है भाजपा का जो चाहता है कि अपने दम पर भाजपा बिहार में सरकार बनाए, ना कि नीतीश कुमार के चेहरे पर बार बार जो चेहरे की सियासत होती है, शराबबंदी से लोग परेशान है, नल जल योजना से लोग परेशान है, भाजपा के लोगों ने ही मुख्यमंत्री के जो महत्वाकांक्षी योजना है उसकी कलई खोल रखी है। नमन जी अब सवाल ये भी उठने लगा है कि आखिर 70% बिहार और देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी, सत्ता पर काबिज रहने वाली भारतीय जनता पार्टी आखिर 40% पे क्यों आई, ये 30% का गिरावट क्यों हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं कोट सुशील मोदी जैसे लोग ही किए जाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में रह करके वो अलग अलग पार्टियों में अपने स्वार्थ के लिए या कहा जाए अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पे रखते हैं। देखिए कहावत भी देहाती है कि दो लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये आपको घातक हो सकती है, इससे बढ़िया आप दुश्मन रख लीजिए मगर दोस्त मत रखिए, एक तो लालची दूसरा बेवकूफ, अगर बेवकूफ व्यक्ति है तो वो आपको बचाने में ही आपकी हत्या कर सकता है, और दूसरा लालची व्यक्ति की जो कि आपके साथ ही रहेगा मगर परिस्थितियां बदलेंगी तो वो आपको भी बेचकर वहां से निकल सकता है। और सुशील मोदी जी हम उन पर इल्जाम नहीं लगा रहे मगर सुशील मोदी जी का जो ट्वीट करना और फिर डिलीट करना और फिर कर देना, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं मौका परस्ती थोड़ी उनमें है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे मुद्दे पर हम आते हैं। तीसरा मुद्दा आपको पता हो, 3 दिनों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से बिहार में शिक्षा की लौ को जगा दिया है फिर से एक बार, और राष्ट्रीय राजनीति में हमने देखा है कि लोकपाल को लेकर एक बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, अनशन हुआ था, अन्ना हजारे थे, केजरीवाल थे, सारे लोग थे, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार होता है, बढ़ते अपराध को लेकर होता है, रेप और मोलेस्टेशन जैसी घटनाओं को लेकर होता है, मॉब लिंचिंग पर लोग खड़े होते हैं, कैंडल मार्चेस निकलती हैं, महंगाई को लेकर बड़ा धरना प्रदर्शन हमने देखा, शिक्षा को लेकर हमने देखा नहीं है, और शिक्षा को लेकर अगर थोड़ा बहुत देखा भी है से जुड़ा तो हमने ये देखा है, हमें वेतन चाहिए,
हमें टाइम पर रिजल्ट चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें स्कूल में ये सब फैसिलिटीज चाहिए, हमने ये नहीं सुना कि हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। बाबा लमन जी, उन सारे मुद्दों पर चर्चा होती है, धरना होता है, अनशन होता है, प्रदर्शन होता है, जिनका राजनीतिक फायदा हो जी। ये पहला ऐसा राजनीतिक या कहा जाए गैर राजनीतिक अनशन था जो समाज में और भविष्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के किया गया था। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी भी इनकार करती है इससे, तो भारतीय जनता पार्टी आखिर मंच पर क्यों थी जी? जब विरोधी भी जब समर्थन करने लगे, दैट मीन्स कि वो मुद्दा राजनीतिक नहीं होकर के सामाजिक मुद्दा था। और मनाने में जिस तरह से नौ दिया तेल जो कहा जाता है वो जल गया, पूरे महागठबंधन और विपक्ष के लोगों का जिस तरह से मान ही नहीं रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा अस्पताल में आपने देखा होगा, वीडियो हमने भी जारी किया था कि वो मान नहीं रहे थे। अगर मान नहीं रहे थे, दैट मींस कि उनके मन में कोई बात राजनीतिक नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक बात तो जरूर कर दिया कि नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में और नीतीश कुमार की कलई खास करके बिहार को शिक्षा के रूप में बदनाम करने के लिए जो कहा जाता है, पूरे देश भर में इसकी चर्चा होती है, दुनिया जानती है कि बिहार में शिक्षा का स्तर किस तरह का है, उसको तो उजागर जरूर कर दिया है। और एक बड़ा वर्ग, चूंकि हिंदुस्तान और बिहार का हर नागरिक बच्चों को पढ़ाता जरूर है और ये दंश वो जरूर झेलता है, इसलिए उनको पता है ये बात। ये एक घर 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 की समस्या कहीं शिक्षा होती है। और बस इससे कंक्लूड करूंगा इतना कह के कि नीतीश जी ये कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश जी ये भी कहते हैं कि हम शिक्षा को अपने स्तर से सुधारेंगे, मगर कहीं ना कहीं बगल में राम बगल में छुरी वाली बात हो जाती है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे और दूसरी तरफ दो शिक्षा मंत्रियों को पूर्व और वर्तमान को खड़े कर देते हैं और कहते हैं कि सफाई दो, मगर ये कहना कि एनओसी नहीं देंगे। और पलट भी जाते हैं नमन जी, दूसरे दिन पलट भी जाते हैं। वो कहते भी हैं कि अगर आपके पास जमीन है, जब ये पता चल जाता है कि जमीन मुहैया हो चुकी है, जमीन है तो कहते हैं कि जमीन है तो दिखाई। ये भी बड़ा सवाल था, कैसा सरकारी तंत्र है कि जो मैसेज ऊपर तक पहुंच नहीं पा रहा, सीएम को ही नहीं पता जमीन रजिस्ट्री हो चुकी है। जिस काम का नीतीश जी को जिस काम का पैसा तक नहीं देना है नमन जी, उस काम के लिए आखिर विरोध क्यों जी? उसका पैसा लगेगा। अभी तो शायद एनडीए के लोग भी उनका विरोध करने लगे हैं, तभी तो शायद तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को इतना बड़ा समझते हैं कि अब गांधी मैदान में जा रहे हैं बड़ा धमाका करने। इस पर सभी हम पर्दा हटाएंगे। फिलहाल चौथे मुद्दे तक पहुंचते हैं, उस मुद्दे पर आते हैं बाबा, दूसरे मुद्दे पर, माफ कीजिएगा जी हाँ, ऊपर से जो हम लगातार तीन मुद्दे हो गए, अब ये दूसरा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा जिसको खुद नीतीश जी ने पैदा किया, तीसरा मुद्दा भी नीतीश जी का पैदा किया हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा जिनका नाम है, और दूसरा मुद्दा भी नीतीश जी का ही पैदा किया हुआ है। एक बच्चे को उन्होंने अपनी सत्ता के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, उसके पिता को अपने साथ रखा और उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर के राजनीति सिखाई। 2015 में नीतीश कुमार ने जिस तरह से महागठबंधन के निर्माण के दौरान अपनी सहभागिता दिखाई थी, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर भाजपा को उन्होंने धूल चटाई थी और बिहार की सत्ता से भाजपा को बेदखल कर दिया था। जिन परिस्थितियों में नीतीश कुमार ने तेज प्रताप और तेजस्वी के सिर पर हाथ रखा था, वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें खुद भी उस कुर्सी की तलाश थी जो कुर्सी सीएम तक उन्हें लेकर जाती है। अभी नीतीश कुमार कह सकते हैं कि उस समय परिस्थितियां अलग थी, मगर तब भी लालू प्रसाद यादव पर वो आरोप लगे हुए थे जिन आरोपों का आज हवाला नीतीश कुमार देते हैं। तभी तेजस्वी यादव उस वही अपरिपक्वता लेकर बिहार की राजनीति में आए थे, जो अपरिपक्वता उनके ऊपर आज थोपी जाती है। हालांकि अब वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बड़ी जिम्मेवारियां निभा चुके हैं, मगर तब उन्हें अपरिपक्व होते हुए भी वो कुर्सी दी गई थी और आज उन्हें उस कुर्सी को निभा देने के बाद भी कहा जा रहा है कि वो अपरिपक्व है। सीधे तौर पर कहेंगे तेजस्वी यादव वो शख्स है जो नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा रात में सपने दिखाता होगा, परेशान करता होगा, क्योंकि आने वाले बिहार में एक चर्चा तो लगातार होगी। भले 2019 के चुनाव में महागठबंधन को कोई फायदा नहीं हुआ था, मगर हम बार बार वही बात कहेंगे, 14 में हुआ था और 15 में पलट दिया गया था, 19 में हुआ है, 20 में पलट सकता है। बिहार के हर छोटे जिले में हम गए हैं बाबा, हमने 2019 के चुनाव में भी लोगों से बात की है, बात जरूर प्रधानमंत्री की हो रही थी मगर लोगों के जुबान पर मुख्यमंत्री की चर्चा थी। बिल्कुल नमन जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि राजनीति में आप दो तरह से स्थापित रह सकते हैं। पहला तो आपके पास वोकल पावर बहुत ज्यादा हो जी, या दूसरा आप चुप रहें जी। क्योंकि चुप रहते हैं तो आपको अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, जो नीतीश जी की शैली है। नीतीश जी चुप रहते हैं और वे एक ही बार बोलते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा गवाही दे रही है कि अब मुझे इन लोगों के साथ नहीं रहना है। और परिस्थितियां देखिए कैसे बदलती हैं। 2019 के चुनाव में मैंने पर्सनली एक ऐसी चीज देखी जो कि मैंने कभी सुना भी नहीं था, कभी देखा भी नहीं था।
राजद और भाजपा दो अलग अलग दल हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग स्टेचुरी कॉन्फ़िगरेशन ही है इनका, और इतने अलग होने के बावजूद बिहार की जनता के में के दिलों में दोनों के लिए जगह थी 2019 के चुनाव में, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री लोग कह रहे हैं कि हमें बनाना है नरेंद्र मोदी को, और उसी समाज के लोग, उसी जाति के लोग, उसी मैं कहूंगा पायदान के लोग, वही घर में लोग कह, वही व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट देने जा रहा हूं, वही व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तेजस्वी एज अ सीएम बिहार में चाहिए। तो ये बड़ा ही विचित्र तरीके का एक्सेप्टेंस था बिहार, वाकई बिहार ने शुरू से ही देश की राजनीति में फ्यूजन का काम किया है, हमेशा से बिहार कुछ ऐसा कर देता है राजनीतिक तौर पर जो कि आने वाले समय में और कुछ कारण की जाती है, कुछ कारण इधर और पैदा हुआ है नमन जी, इस बीच में जो 4-5 महीने का वक्त मिला है और इसमें पूरा मंथन जो कर रहे हैं, अपने आप को रिवाइव कर रहे हैं, उसमें उन्होंने एक काम जरूर किया है, पहले MY समीकरण था, अब वो अलग अलग लोगों को भी अपने पास बिठा रहे हैं और जगह दे रहे हैं। आप देख रहे हो कि हाल फिलहाल में उन्होंने जिस तरह का फैसला किया और बिहार में नेतृत्व परिवर्तन करके एक सवर्ण के हाथ में जी कमान दिया है, इस बात को लेकर के भी कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी बहुत लंबी है, और ये एक बड़ा कारण जो दूसरे घूम रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, और रालोसपा के नेता है एकदम वही जगदानंद सिंह उनके साथ 24 घंटा साई की तरह रह रहे हैं, जो कि कभी लालू प्रसाद के साथ रहते थे, और अब ये लग रहा है कि फुल ऑन हो गया है। और ये दूसरा कारण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कारण माना जा सकता है इन 4 कारणों में, अब पहला कारण आप बताएंगे। देखिए सबसे पहला कारण जो नीतीश कुमार के खिलाफ इस बार जबरदस्त काम करने जा रहा है, उनकी और उनके कुर्सी के बीच में जो चीज सबसे ज्यादा अटकी पड़ी है, जिसे हटा पाना मुझे लगता है शायद मुश्किल होगा नीतीश कुमार के लिए, क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने बहुत सारे जन कल्याणकारी काम किए हैं। नमन जी चुंबक आपने सुन लिया, सही सुना, बहुत सारे जन कल्याणकारी काम किए हैं, कांग्रेस ने भी किया था बिल्कुल, और ये जन कल्याणकारी काम आपके जब आप ऊपर से भेजते हैं, राजीव गांधी जी के कथन को याद कीजिएगा कि नीचे भेजते हैं 1 रुपया आता है और 20 पैसा पहुंचता है नीचे में, ये जनता सीधे तौर पर मानती है कि सरकार ने चोरी कर लिया, आपके सिस्टम में लूप है, आपके लोग अगर गलत हैं तो सीधा अगर गाली ताली दोनों मिलेगी तो कप्तान को ही मिलेगी। 15 साल का शासन नीतीश कुमार ने बिहार में चलाया है, नीतीश कुमार ने हर वो प्रयास किया जो उनके हिसाब से संभव था, वाकई ऐसा भी हो सकता है कि नीतीश कुमार की कार्यक्षमता और उनकी जो मैं कहूँगा इफिशियंसी है वो इतनी ही थी, अब वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पैटर्न पिछले जो थर्ड टर्म नीतीश जी का रहा है, खासतौर पर जब से वो भाजपा के साथ आए हैं तब से कुछ चीज़ें बदल गई हैं। बिहार में उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया शराबबंदी, जो कि पूरी तरह से बैकफायर कर चुका है उनके ऊपर, नीतीश जी रोज़ इसमें एक नया छेद होता है और रोज़ नया एक टेप लाते हैं, इसे छेद में टेप लगाते हैं, फिर छेद कहीं और हो जाता है, फिर टेप लाते हैं, फिर छेद भरते हैं, फिर छेद हो जाता है, ये अनवरत चल रहा है। नीतीश जी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने ये गलत डिसीजन ले लिया है, या फिर ये एग्जीक्यूशन ही उनका गलत था। नोटबंदी में उन्होंने बहुत चलाकी से कह दिया था कि एग्जीक्यूशन में गलती हो गई भाजपा से, मगर खुद जब शराबबंदी करते हैं तो ये बात नहीं मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनसे एग्जीक्यूशन में गलती हो गई। इसके साथ पटना शहर डूब जाता है, पटना शहर सरेआम डूब जाता है, किसकी गलती है आज तक इस पर निष्कर्ष नहीं निकलता है, भाजपा के लोग चुप हो जाते हैं, नीतीश जी को जो गलतियां हैं उनकी वो झेलने देते हैं, जनता का आक्रोश झेलने देते हैं, ये सब कहां जाएगा, चुनाव में ही दिखेगा कहीं ना कहीं। अगर हम आगे बढ़ते हैं, चमकी बुखार जिस तरह से बिहार में हुआ था और बच्चे लगातार मर रहे थे, नीतीश जी के ऊपर सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगना शुरू हो गया था कि जब हर साल बाढ़ आ रही है, हर साल चमकी बुखार आ रहा है, हर साल एग्जाम्स में चीटिंग हो रहे हैं, हर साल पर्चे लीक हो रहे हैं, हर साल बेरोजगारी बढ़ रही है, हर साल यहाँ पे समस्याएं बाढ़ सुखाड़ और इन सब के बाद प्याज टमाटर जैसी चीजें महंगी हो जा रही हैं, तो बाबा सच बात है कि आखिर विश्वास तो तेजस्वी कुछ करे ना करे, जनता तो देख रही है ना, जनता में तो विश्वास पैदा होगा ना। नमन जी सबसे सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि ट्रिपल सी जो नीतीश कुमार का सबसे बड़ा USP था, जिसके चलते नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाते हैं पहले और डेट टर्म जी बिल्कुल जी, वो ट्रिपल सी पूरी तरह से विफल है। पहला सी क्राइम पूरी तरह से फेल है, दूसरा सी करप्शन आपने सब कुछ बता दिया, सात निश्चय घोटाले लेकर अगर आप जाते हैं नल जल योजना तक और ये जो मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं इन तक आप जाइएगा, हर जगह भ्रष्टाचार है, और ये बातें अब हम नहीं कर रहे, विपक्ष नहीं कर रहा है, ये तो सीधे तौर पर भाजपा के नेता कहना शुरू कर दिए। और तीसरा सी जो है कम्युनलिज्म जी,
जो कि बिहार में रोकने में कहीं ना कहीं असफल हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग वगैरह है। राष्ट्रीय आंकड़े भी बता रहे हैं बाबा कि बिहार में सबसे ज्यादा इस तरह की हिंसाएं हो रही हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, सामुदायिक झड़प हो रही है। और नीतीश जी ने यह भी कहा था कि शराबबंदी लागू करके हम कहीं ना कहीं क्राइम पर एक बड़ा कंट्रोल करेंगे। पिछले महीने में जो हत्याएं हुई हैं बिहार में उनका आंकड़ा इतना ऊंचा है कि अगर ये आंकड़े अगर हालांकि ये भी कहा जाता है कि सारे क्राइम्स नहीं रजिस्टर हो पाते हैं, तो अगर उन अनरजिस्टर्ड क्राइम को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा इतना बड़ा हो जा रहा है कि अगर किसी देश में भी इतने लोगों की हत्या एक साल में होगी तो उस देश के ऊपर सवाल खड़े होंगे, उस सरकार के ऊपर सवाल खड़े होंगे। तो नीतीश जी बिल्कुल सीधा लाइन ऑफ फायर में है, और मैं तो कहूँगा कि विपक्ष बहुत बिहार का शालीन है, बहुत सधा हुआ है, बहुत मैं कहूँगा कि कम हमलावर है, सहनशील बहुत ज़्यादा हमलावर है, बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित नहीं होते, वरना यही अगर सुशील मोदी जी होते तो अब तक तो शायद पगड़ी उगड़ी बांध लिए होते और बिगुल फूक दिए होते, शायद हो सकता अनशन पर भी लेट गए होते। परिस्थितियाँ विकट हो सकती थी नीतीश कुमार के लिए अगर 2019 का चुनाव उनके फेवर में नहीं गया होता। हालांकि अभी भी बहुत कुछ नीतीश के लिए बिगड़ सकता है, बगल में झारखंड है, झारखंड के चुनाव की जो परिस्थितियाँ हैं उन पर भी बहुत हद तक निर्भर करेगा भाजपा और उनका गठबंधन। बिल्कुल। और ये जो पांचवा मुद्दा हम बोल रहे हैं जो सबसे टॉप पर आ रहा है, एक नंबर वन पर, इसे आप समझिए ये क्या है। इसे अंग्रेजी में कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी। इसने कई सरकारें गिराई हैं, इसने कई बार मुख्यमंत्रियों को अर्श से फर्श पर लाया है, इसने कांग्रेस जैसी 80 घंटा अभी तुरंत 80 घंटा का एक फेज हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है महाराष्ट्र में। जी 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 80 घंटा भुला सकता है कोई? एक मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री था, शपथ भी ले चुका था, उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री नहीं विपक्ष का नेता है और उस पर ताने कसे जा रहे हैं, और वो भी उस पार्टी का जिस पार्टी का इस दुनिया में सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का जखीरा है और उसी के साथ आप भी हैं। इस बात को सोचना होगा, और सोचना ही नहीं होगा, इस पर गहन अध्ययन करना होगा। अगर इन पांचों बातों को नमन जी अगर कहीं नीतीश कुमार दरकिनार कर पाते हैं तभी कुर्सी उनके सामने नजर आएगी, वरना कुर्सी तो पांच कारणों से दूर नजर आ रही है। देखिए रात रात में हमने आपको बताया कि ये पांच कारण हैं जिनकी वजह से नीतीश कुमार इस बार अपनी उस चिर परिचित बड़ी ही प्यारी कुर्सी से दूर नजर आ रहे हैं। हमारे हिसाब से ये आंकड़े बदल सकते हैं, चुनाव अभी भी 8-10 महीने की दूरी पर है, बिहार में राजनीतिक परिस्थितियां हर दिन बदल रही हैं, महागठबंधन जो कल एकजुट नहीं था वो आज बहुत एकजुट दिख रहा है, एनडीए जो कल तक एकजुट दिख रहा था वो अब बिल्कुल टूटा हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि झारखंड में बिल्कुल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, और झारखंड में भाजपा को अगर झटका लगता है तो भाजपा भी इतनी आसानी से उस गम को भुलाएगी नहीं, क्योंकि भाजपा को भी अच्छे से याद है कि कैसे राम मंदिर का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर एनआरसी, नमन जी एनआरसी आ रहा है, और सबसे बड़ी बात नमन जी आपने जो कहा है वो चलते चलते हम जरूर एक बार फिर से जनता को रिकॉल करना चाहेंगे कि आपने कहा है कि मिलर से गांधी मैदान जी बहुत बड़ी बात है। मिलर से उठ करके अगर नीतीश विरोधी लहर गांधी मैदान में पहुंच जाए और जिसकी पूरी तैयारी हो रही है, राज खुलेगा, नमन जी ही खोलेंगे, लेकिन कब खोलेंगे वक्त बताएगा, लेकिन बहुत बड़ी बात है। मिलर स्कूल से शपथ ली गई है कि अब गांधी मैदान में उखाड़ कबाड़, मतलब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है हाईकोर्ट से। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो देखिए जो खबरें हैं वो आपको लगातार मिलती जाएंगी। सुबह रातों रात की ये जो खबर आपने देखी है ये विश्लेषण था, इसलिए थोड़ा लंबा होता है, और दिन भर की खबरें हमारी बहुत छोटी खबरें होती हैं। अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं उन खबरों से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक घंटी नुमा वहाँ पर बना हुआ आकार होगा उसे दबा दीजिएगा, तो आप जहां रहिएगा ना आपको खबरें खुद मिल जाएंगी। और नमन जी एक बात मैं अंतिम में सिर्फ अपनी जनता खास करके अपनी भोजपुरी की जनता से कहना चाहूंगा कि आप भोजपुरी वाले जितने भी लोग हमारे हैं सहृदय हैं, रुआ लोग घबराई मत, चिंता मत करी, भोजपुरी जिंदा बा, भारत लाइफ हमेशा जिंदा रही, हम जब तक जिंदा बाएं तब तक भोजपुरी जिंदा रही, और खूंटा ठोक में रुआ लोग हमारा से भोजपुरी में रोज दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच में बात कर सकेले, मिल सकेले, और भेंट मुलाकात होत रही, गोर लागत नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई अरुआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।